लंदन में भारतीय महिलाओं को प्रेरित करने के लिए IIWC इंस्पायर अवार्ड की घोषणा की गई है। मीनाक्षी को यह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मीनाक्षी का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें कनाडा के इंडो कैनेडियन आर्ट्स एंड कल्चरल इनिशिएटिव के विमेन हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रश्मि मिश्रा ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 15 मार्च को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा और इस समारोह में मीनाक्षी वालके के प्रेरक कार्यों पर बनी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इन पुरस्कारों की जूरी में इंग्लैंड की संसद के सदस्य और विश्व प्रसिद्ध के कुछ भारतीय दिग्गज शामिल है। मीनाक्षी ने करीब 1000 महिलाओं को बांस की कला सिखाई। उद्योग के मामले में उन्होंने 5 यूरोपीय देशों को निर्यात करके भी साबित किया। मीनाक्षी ने कम शिक्षा और कठोर प्रशिक्षण के बावजूद बांस की डिजाइन में कई सफल प्रयोग किए। उनके प्रयोगों में बैम्बू QR कोड स्कैनर, फ्रेंडशिप बैंड, क्राउन, मंगल तोरण लोकप्रिय थे। बम्बू राखी के लिए विश्व स्तर पर उनकी बड़ी लोकप्रियता है। चंद्रपुर की छोटी झोपड़पट्टी में रहने वाली मीनाक्षी मुकेश वालके इस बात की मिसाल है कि कैसे एक महिला अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद व्यवस्था के साथ काम कर आसमान छू सकती है, गरीबी से बाहर निकलने का संघर्ष कर जीवन को खूबसूरत बना सकती है। पूरे महाराष्ट्र और देश भर महाराष्ट्र की दाबामू लेडी ऑफ महाराष्ट्र महिला के नाम से पहचाने जाने वाली मीनाक्षी ने साधारण और छोटा सा काम किया, लेकिन अलग अंदाज में। यह न केवल ईर्ष्या के लिए बल्कि प्रेरित होने के लिए भी किया गया था। मीनाक्षी ने उस स्थिति में एक कदम आगे बढ़ाया जहां उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, काम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और काम करने के लिए पूंजी नहीं है। आज 7 समुद्र के पार पहुंच गई है मीनाक्षी की बच्ची, जो गर्भ में ही मर गई और खुद की जान बचाई और अस्पताल से आने के बाद सिर्फ 12 दिनों में बामू कला में अपने आप को झोंक कर रख दिया और उसी बामू ने वैश्विक पहचान दी है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी मुकेश वालके चंद्रपुर महाराष्ट्र में रहती हूँ। मैं एक बाम्बू आर्टिस्ट हूँ और बाम्बू की ट्रेनिंग भी देती हूँ। और हमने जब ये काम शुरू किया था तो वो मतलब बहुत ही बिकट परिस्थिति में वो काम शुरू किया था। जब मैंने वो 70 दिन का ट्रेनिंग लिया था तो मतलब ऐसे हालत में नहीं थी कि ट्रेनिंग ले सकूं, फिर भी मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने वो काम मतलब बम्बू का काम शुरू किया और महिलाओं को रोज़गार मतलब देने का भी काम उसके बाद ही स्टार्ट किया। जैसे दो दो महिलाओं को मैं सिखाती थी और उसके बाद उनको ज्वाइन करती थी अपने साथ काम करने के लिए। और ऐसा मतलब अभी भी चल रहा है कि मैं महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ, अभी बाहर भी ट्रेनिंग देती हूँ, जैसे बाहर मतलब महाराष्ट्र के बाहर भी और महाराष्ट्र में भी। और पिछली बार हमको इज़राइल से भी ट्रेनिंग का मतलब प्रपोजल आया था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा पाए। तभी कोरोना भी चल रहा था, उसके लिए हम नहीं गए। तो लेकिन आगे मतलब जाएंगे। तो फिर हमने वो काम अभी भी चल रहा है, जैसे महिलाओं को ट्रेनिंग देना और उनको रोज़गार देना। अवार्ड का जो उन्होंने ये किया था, मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा। उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन करके मुझे बताया कि आपका नाम घोषित हो गया है अवार्ड के लिए। तो मतलब इसके ये अवार्ड मिल रहा है, लंदन से मिल रहा है, और मुझे मतलब बहुत ही खुशी हुई कि लोग हमारे काम को सराह रहे हैं, मतलब तारीफ कर रहे हैं। तो मतलब मन को अच्छा लगता है और भी प्रेरणा मिलती है हमको अच्छा काम करने की। तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। थैंक यू। चंद्रपुर से BCN न्यूज के लिए सुनील ताइडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।